प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कर्नाटक में 10 लेन के बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद पीएम ने एक रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि 2014 से पहले केंद्र की सत्ता पर कांग्रेस काबिज थी और उस दौरान उन्होंने गरीब को बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पीएम मोदी बोले कि कांग्रेस के शासनकाल में गरीबों के विकास के हजारों करोड़ रुपए को लूटा गया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रही है, जबकि मोदी एक्सप्रेसवे बनाकर गरीबों का जीवन आसान बनाने का काम कर रहे हैं।